नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इन सभी दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दी। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो टीम विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी थी, उसी टीम को लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है। ऐसे में मिशन 25 का सपना संजोए बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी? पुराने चेहरों पर संगठन ने दाव तो लगा दिया, लेकिन क्या ये चेहरे चुनाव जीत पाएंगे? बीजेपी में वही पुराने चेहरे विधानसभा चुनाव में हार के बाद में लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र ढूंढ रहे हैं। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, वही वसुंधरा राजे जिनको लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया था, और वही बीजेपी की पूरी टीम जिस पर जनता का भरोसा उठ चुका था। विधानसभा चुनाव में 180 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी महज 73 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। कॉल करें 9001299672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। इसलिए लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की हालत भी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये भी ध्यान में रखना होगा कि फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। ऐसे में कहीं ना कहीं पलरा कांग्रेस का भी भारी हो सकता है। विधानसभा में बीजेपी की बुरी तरह से हार के बाद में कई दिग्गजों का तो अता पता तक नहीं है। या तो वे राजस्थान छोड़कर चले गए हैं या फिर अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका भी पूरी तरीके से पार्टी ने खत्म कर दी है, और जो नेता सक्रिय हैं वे भी विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार चुके हैं। एक दो चेहरों को छोड़कर बीजेपी में किसी भी नेता की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 25 सीटें लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।